Hi guys, welcome to my channel. My name is Sneha and if you're watching me for the first time ever, so please subscribe karna na bhuliyega. Mera dusra ek aur ek channel hai jo main daily vlogs karti hu. It's called as Sneha Vlogs. So link main description box mein de dungi. If you want to ki main daily routine mein kya karti hu, to maine each and every stuff wahan pe mention kiya hua hai. So aap jaake please udhar bhi subscribe kar dijiye wo channel pe agar aapko interesting lage and ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यू नो व्लॉग है. इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग टुडे बिकॉज जो मैंने रिसेंटली शॉपिंग की है फॉर माय बेबी, फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय सेल्फ, सो वो मैं आपको बताने वाली हूँ. और ये सारे प्रोडक्ट्स इट्स लाइक अवेलेबल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई हैव दिस शॉपिंग बैग विद मी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शॉर्ट एंड स्वीट में आपको फटाफट मैं कपड़े दिखा दूँगी बिकॉज मेरी डेली ब्लॉग्स में ना मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि यार आपने शॉपिंग तो कर ली, हमें बता दिया, लेकिन क्या लिया आपने बताया ही नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये चैनल पे क्रेजी हैप्पीनेस में डाल रही हूँ कि मैंने एग्जैक्टली शॉपिंग किया. रिव्यू का रिव्यू हो जाएगा, शॉपिंग का यू नो देखने हो जाएगा. सो सबसे पहले मैं बेबी का ये करने वाली हूँ. आई रियली लव दिस पिंक नेस ऑफ येलो कलर का. दिस इज रोम्पो एंड दिस लुक रियली वेरी अमेजिंग. ये अराउंड 12 to 18 मंथ्स की, बिकॉज ईवो अभी 12 मंथ्स की हो गई है, तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज ही लिया है. ये इसके फ्रिल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं एंड एज यूजल अगर आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से, मुझे येलो पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दिस इज़ लाइक रियली वेरी गुड, कम्फर्टेबल रहता है बच्चों को. और एक ही वेयर में यू नो पैंट अलग से या टी शर्ट अलग से पहनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज मेरी बच्ची अभी इतनी ज़्यादा नॉटी हो चुकी है इवू कि वो एक जगह टिकती नहीं है. तो मैं ऐसे ही आजकल कपड़े ढूंढती हूँ कि फटाफट उसको एक ही अटेम्प्ट में पहना दूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाए. सो दिस इज़ लवली रोम्पो, आई रियली लव्ड इट. ये मुझे अराउंड मिला है. यहाँ पे ब्रांड जो है ब्रांड यहाँ पे लिखा नहीं है. ये मैंने मॉल से लिया है. 245 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है एंड वन पीस फॉर 245 रुपीज़ का यहाँ पे है. एंड दिस इज़ लाइक क्वाइट कूल, कॉटन का है तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी एंड कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ है. सो ईवू के लिए मैंने कपड़े बहुत सारे बाय किए हैं, स्पेशली अमेज़ोन से है. तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं उसके बारे में बनाने वाली हूँ कि ईवू को मैंने अमेज़ोन से क्या क्या कपड़े लिए. सो फिलहाल के लिए नाउ आई एम गोइंग टू शो माई शॉपिंग. देन आई टुक दिस पाइछा बिकॉज ये पाइछा जो है वो बहुत ज़्यादा नीडेबल रहता है आजकल, वो चलने लग गई है, दौड़ने लग गई है. सो उसके पाइछे बेसिकली उसके कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मुझे पाइछे लेने की बहुत ज़रूरत थी. तो दिस आई टुक लेगिस फॉर हर एंड ये बहुत सॉफ्ट क्यूब मटेरियल है. सो दिस इज़ फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये ब्रांड है. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड ये मुझे पड़ा है अराउंड 110 रुपीज़ में. सो दिस वन पाइछा फॉर 110 रुपीज़, बट दिस इज़ लाइक रियली वेरी गुड सॉफ्ट मटेरियल है. बच्चे छोटे हैं ना तो उनको सॉफ्ट मटेरियल मोस्टली आई प्रेफर कि इलास्टिक उनके पेट में ना चुभती है, दे स्टार्ट कराएं. स्पेशली जब भी मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल वाले इलास्टिक वाले लिए थे तो यू नो उसको ना बहुत चुभ रहा था एंड नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट में उसने पहना नहीं था. सो मुझे उससे ये पता चला कि शी डोंट लाइकिंग इट बिकॉज शी इज़ वेरी अनईजी. तो मैंने ये ऐसे इलास्टिक जो स्ट्रेट इलास्टिक रहता है ना वैसे लिया है ताकि उसको वो चुभे भी ना एंड फिट भी प्रॉपर आए. सो यूजुअली मैं ईवू को लेगिंग्स टाइप में लेती हूँ, वो यू नो नीचे से ये जो है वो टाइट हो जाता है. ज़्यादा घेर वाला लेगिंग्स नहीं लेती हूँ बिकॉज वो चलने लग गई है, लड़खड़ाती है, गिरती है. एक दो बारी वो मैंने नॉर्मल वाला लिया था बट उसमें एक ही प्रॉब्लम हो गया था, ईवू का उंगली बार बार आ रही थी तो और वो गिर रही थी. सो आई कीप अवॉइडिंग कि मैं वो नहीं लेती हूँ. देन आई टुक दिस ग्रे वाला, आई रियली लव्ड इट. इसका इलास्टिक स्मूथ है तो बेसिकली मैं वैसे ही देख के ले रही हूँ. थोड़े आपको थोड़े से महंगे पड़ेंगे, जो 40-50 का मिलता है उसके इलास्टिक प्रॉपर नहीं होते हैं, बच्चे बहुत अनईजी हो जाते हैं. तो दो पैसे एक्स्ट्रा डाल के यू नो उनको कम्फर्ट वेयर दो ताकि वो ईजिली
कंफर्टेबल इसमें रहे, जोन में रहे. देन या दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ओनली एंड ये मुझे मिला है. नो दिस इज नॉट फ्रॉम नेक्स्ट, सॉरी, दिस इज फ्रॉम स्टॉप करके ब्रांड है एंड ये मुझे 135 रुपीस का मिला है एंड दिस इज लाइक रियली वेरी गुड. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सॉरी मैं बार बार अगर ये चीज़ बोल रही हूँ तो. देन नेक्स्ट इज दिस लेगीज अगेन. नेक्स्ट इज दिस लेगीज, दिस इज फ्रॉम प्राइड. ये मुझे मिला है अराउंड 100 रुपीस का. इस काइंड ऑफ लेगेज बट मुझे सबसे बॉटम में ना इसका ये बटन्स लगाए हुए हैं, सो इफ़ यू वेयरिंग एनी कुर्ता और सॉर्ट ऑफ लाइक दैट ना तो उसके ऊपर ये अच्छा खासा लेगेज चला जाएगा फॉर ट्रेडिशनल वेयर, तो मुझे अच्छा लगा मैंने ये ले लिया. देन अगेन फ्रॉम प्राइड दिस लेगेज इज लाइक सो गुड, आई रियली लव्ड इट. कलर एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आई रियली लव्ड इट. एंड कलर कॉम्बिनेशन भी मतलब किसी पे भी चला जाएगा, ब्लैक, वाइट, प्लेन, कुछ भी पहना दो उस पर चला जाएगा. एंड दिस इज़ फ्रॉम प्राइड एंड ये मुझे अराउंड 110 रुपीज़ का ही पड़ा है, सो आई रियली लव्ड इट. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो ये हुआ ईवो का. एंड अगेन हाँ, वन मोर लेगेज इज देयर. सो दिस इज़ फ्रॉम पैंटालूंस एंड ये पैंटालूंस से मैंने लिया था. बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है. और ये सारे लेगेज भी जो मैंने लिए हैं ईवो के लिए, दैट इज़ एवरी थिंग इज़ लाइक फ्रॉम स्ट्रेचेबल है, तो कोई टेंशन नहीं है. तो बच्चे बड़े भी होते हैं तो उनको एंकल लेंथ भी आ जाता है, तो क्वाइट एनफ दैट कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे. तो साइज़ भी बढ़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि इलास्टिक वैसे हो एंड साइज़ जो है स्ट्रेचेबल ही ले लूँ, ताकि साइज़ बड़े भी तो उनको कोई दिक्कत ना आए. सो दिस इज़ फ्रॉम पैंटालूंस एंड ये मुझे मिला था अराउंड 158 रुपीज़ में, बट अच्छा मिल गया था एंड मुझे बहुत 199 रुपीज़ में, सॉरी. तो 199 रुपीज़ में, बट दिस इज़ लाइक टू गुड. ओके सो नेक्स्ट है ये जो टी शर्ट है, दिस इज़ फ्रॉम लाई एंड ये मुझे अराउंड 399 का मिला. बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट है बट मटेरियल इज़ डैम गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत स्ट्रेचेबल है, ये साइज़ जो है मैंने लार्ज ली हुई है, या लार्ज साइज़ है यहाँ पे. एंड बहुत कंफर्टेबल है एंड स्पेशली कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड स्ट्रेचेबल है, सो नो डाउट ये अच्छा ही है. प्लस यहाँ पे जो वर्क है इसका, मतलब सिंपल टॉप है, आप रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो मैंने वो ही पर्पस पे लिया. आई रियली लव दिस टी शर्ट. मतलब ऐसे ब्लैक एंड वाइट ये जो है ना, ये ऐसे ना बहुत पहले से था, तो मैंने सोचा यार चलो ले लें, जो बिकॉज माई हस्बैंड टोल्ड मी दिस इज लुकिंग, ये वाला बहुत अच्छा लगता था तो उस पर. तो ये भी मुझे 399 का मिला है, ये भी मुझे 399 का मिला है एंड दिस इज ऑल्सो लार्ज साइज. सो दिस इज़ फ्रॉम टीम स्प्रिट करके ब्रांड है. आई इन चीज़ लेने बिकॉज मेरी लेगेज जो थी, जस्ट बिकॉज मेरा थाई एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो घिस घिस के लेगेज यूजुअली ख़राब हो जाती है. सो आई वेंट, मैं गई थी लेगेज लेने के लिए एंड दिस इज़ लाइक टू गुड लेगेज. ये मुझे 999 में मिला है, 999 में. ब्रांड इज़ रियो एंड 999 में इसका प्राइस है एंड वेरी कम्फर्ट वेयर. ट्रस्ट में मैंने लास्ट टाइम यही सेम ब्रांड का लिया था इन ब्लैक एंड वाइट में, एंड स्ट्रिप जो थी वो वाइट थी, इस बार ही मैंने मरून वाली ली है. ट्रस्ट में वो मुझे 2 साल तक ना आराम से गई है विदाउट एनी स्ट्रेचिंग या सिलाई जाने आया एंड ऑल दैट. यूजुअली आप 500-600 का ले लेते हो बट वो टिकता नहीं है इतने ज़्यादा टाइम तक. ये बहुत अच्छा है, स्टमक पे भी अच्छा शेप देता है. दिस लेगिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है. ओके सो ये मैं आपको पहन के दिखा दूंगी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मटेरियल इज डैम गुड, आई रियली लव द मटेरियल. और बेस्ट चीज़ है ना, स्ट्रेचेबल है, तो अगर मैं थोड़ी मोटी भी हो जाऊँ तो ये मुझे आगे चल के भी काम आ जाएगा. स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने लेगिंग्स पहनना चालू कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज जीन्स वगैरह वेट मेरा ज़्यादा हो गया था एंड जीन्स वगैरह मैं पहन नहीं पा रही थी. लेटर ऑन इतना ज़्यादा घट गया वेट कि डोंट आस्क मी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई हस्बैंड. आई रियली लव दिस प्लेन टी शर्ट्स. यूजुअली मैं भी यूज़ कर
लेती हूँ एंड ये 299 रुपीज़ के है सारे टी शर्ट एंड वहाँ पे ऑफर चालू था तो वी टुक इट. आई लव दिस ग्रे कलर, दिस इज इन डबल एक्सल साइज बट यूजुअली कभी कभी डेली यूज में मैं भी यूज़ कर लेती हूँ. बहुत अच्छा लगता है, कलर कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. प्लेन कलर में समटाइम यू नो बहुत डिसेंट लुक आता है. ये यू नेक वाला है, प्लेन डिसेंट और सोबर कलर है. हाथ जो है इसके वो हाफ स्लीव्स है बट मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उनके मसल्स दिख के आते हैं. इट्स लुक वेरी डैम गुड. सो ये कलर लिया देन आई रियली लव पिंक. एज यूजुअल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे येलो और पिंक कलर बहुत पसंद है, तो ये पिंक कलर बहुत अच्छा है. ये मैं भी पहन सकती हूँ, यूजुअली आई डू दैट. मतलब अगर मुझे कभी मन नहीं हो ना ज़्यादा फिटिंग कपड़े पहने या ये, तो ढीले ढाले एक लेगिंग्स पहन लो, ढीले ढाले टी शर्ट पहन लो एंड आई एम सॉर्टेड. तो ये भी लिया हुआ है, सेम ही ब्रांड है, ब्रांड में कोई फ़र्क नहीं है. बाई फोर्ट वाले ये ब्रांड है सारे, डबल एक्सल साइज है एंड ये भी हमें 299 का ही मिला. सो हियर इज़ द ब्रांड एंड प्राइस. सो ये कलर लिया एंड देन दिस कलर, मतलब ये आँखों को इतना सुकून देता है ना ये वाला कलर. आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन दिस कलर बट बहुत ज़्यादा वो नहीं हिलाना ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून देता है ये कलर. ब्रांड इज सेम एंड प्राइस इज सेम. सो ये कलर हमने एक लिया, तो तीन लेते थे मतलब वहाँ पे कुछ ऑफर था बाई थ्री एंड सो रेट, तो हमें 298 तो डिस्काउंट मिल गया अच्छा खासा. तो ये जो है हमने टी शर्ट लिया हुआ है, ये कलर बहुत पीसफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मोस्ट प्रॉब्ली ये एक तो टिकता बहुत है, कपड़ा बहुत अच्छा है. अगर आप रोज़ भी इसे वॉश करते हो ना तभी भी कपड़ा अच्छा खासा टिक जाता है. प्लस मटेरियल इज़ सो सॉफ्ट, दिस इज़ इनटू अ कॉटन में आता है शायद, टिन में आता है बट मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सो दिस इज़ लाइक दी फंटास्टिक. तो ये तीन टी शर्ट लिए. देन भाई दूर जाना था तो आई टुक सम क्लोथ्स फॉर माय ब्रदर टी शर्ट के लिए बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे हुए नहीं एंड फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हुए. ओके सो दिस इज़ द टी शर्ट्स. ये बहुत प्यारा है, मतलब कलर बहुत बहुत ही इनोसेंट वाला कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कलर बिकॉज माइल्ड पेस्टल कलर है. आजकल मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद आते हैं आइदर देन यूजिंग मोर ब्राइट कलर्स. एंड ये नेक्स्ट लिया रेड कलर बिकॉज उसको रेड कलर जचता भी है एंड उसे पसंद भी है. सो हमने दिस इज़ लाइक टू गुड सिंपल एंड सोबर रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो जान ये हमने शॉपिंग की थी एंड कुछ बाकी एसेसरीज भी लिए बट एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. सायनारा.